हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग टुडे आवर सब्जेक्ट कॉन्वर्सेशन ओके आज आपका कॉन्वर्सेशन का सब्जेक्ट है एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम सिंपल क्वेश्चन विथ आंसर ओके कन्वर्सेशन में आज मैंने फाइव क्वेश्चन दिया है विथ आंसर ओके सो क्वेश्चन नंबर वन which bird do we see during the night? Night means रात होता है and birds means क्या होता है पक्षी So which bird do we see during the night? रात को कौन सा बार्ड दिखाई देता है Answer में बताओगे owl. Okay? देखो this is an owl. ये क्या है ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये क्या है दिस इज बर्ड एंड इसका नाम क्या है आउल ओके तो ये जो बार्ड आप देख रही हो ये बार्ड का नाम है आउल और आउल क्या होता है रात को निकलता है आउल जो है ना ये बार्ड का भी दिन में नहीं दिखाई देता है ठीक है आउल रात को ही निकलता है ओके दिन में देखो कितना सारा बर्ड दिखाई देता है, है ना क्रो पिजन पैरोट But, एक एक ऐसा बार्ड है आउल इसका नाम क्या है आउल तो आउल रात को ही निकलता है ओके इसके लिए आउल को कहते हैं नाइट बर्ड क्वेश्चन नंबर टू व्हाट डू वी कॉल ए हाउस मेड ऑफ आइस आइस मीन्स क्या होता है बर्फ सो बर्फ का जो घर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं ल ए हाउस मेड ऑफ आइस आइस का जो घर होता है इसको क्या कहते हैं इग्लू ओके okay. देखो दिस इज एन इग्लू क्या है दिस इज एंड ईग्लू एंड इग्लू किससे बनता है बर्फ से बनता है ये जो आप घर देख रहे हैं ना ये बर्फ का घर है ठीक है तो बर्फ का घर को क्या कहते हैं इग्लू ओके okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ मेनी कलर्स आर दे आर इन ए रेनबो रेनबो मीन्स इंद्रधनुष ओके रेनबो को क्या कहते हैं इंद्रधनुष सो हाउ मेनी कलर्स आर दे आर इन ए रेनबो इंद्रधनुष में मीन्स रेन रेनबो में कितना कलर्स दिखाई देता है सेवन कलर्स ओके देखो ये कौन सा पिक्चर है रेनबो का पिक्चर है আর রেনবো কাহা দিখা দেতা হ্যা মে ওকে সো দেখো রেনবো মে যে কালারে কত কালার সেবেন কলার ওকে দেখো এসা করলার আয়েগা এসমে সেভেন কলার্সে ওকে নেক্সট কোশেন নম্বর ফোর হাউ মিনিটর আর দেয়ার ইন ইংলিশ অলফাবেট हाउ मैनी लेटर्स कितना लेटर्स है आर दे आर इन इंग्लिश अल्फाबेट इंग्लिश एल्फ़ाबेट में इंग्लिश अल्फाबेट मीन्स ए टू जेड ओके इंग्लिश अल्फ़ाबेट किसको कहते ए टू जेड तो इंग्लिश एल्फ़ाबेट में कितना लेटर्स होता है ट्वेंटी सिक्स लेटर्स ओके देखो मैंने ए बी सी डी करके लिखा ना ए बी सी डी एफ देखो मैंने जेड तक लिखा है सो so, देखो ये जो इंग्लिश अल्फाबेट है ए टू जेड तक तो इसमें कितना लेटर्स होता है ट्वेंटी सिक्स लेटर्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव व्हिच फ्रूट हैज नो सीड्स कौन सा फ्रूट में कोई सीड सीड मीन्स बीज नहीं होता है अंदर बीज होता है ना तो देखो हुईच फ्रूट हैज़ नो सीड्स एक ऐसा फ्रूट है जिसमें क्या होता है हैज़ नो सीड्स मतलब बीज नहीं होता है सो so, देखो फिर से मैं आपको बता रही हूँ हुइच फ्रूट हैज़ नो सीड्स कौन सा फ्रूट में बीज नहीं होता है आंसर में बताओगे वनाना ओके okay? अपने बनाना आपको तो मालूम है बनाना देखो ये क्या है बनाना है ना केला तो देखो हम लोग जो अब केला खाते हैं उसके अंदर बीज होता है नहीं होता है है ना सो व्हिच फ्रूट हैज नो सीड्स बनाना ओके okay. सो so, देखो आज मैंने आपको क्या दिया है कन्वर्सेशन में फाइव क्वेश्चंस ओके विथ आंसर